हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं एक हाई नेक कॉलर डिज़ाइन। तो इसके लिए हमने 1-1 मीटर फैब्रिक लिए है और ये जो डिज़ाइन है ये बहुत ही ट्रेंडी है और साथ ही इसे बनाना बहुत ही आसान है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें लाइनिंग की कटिंग करना है, तो यहाँ हमने आगे और पीछे वाले पार्ट की मार्किंग कर ली है। तो ब्लाउज़ की जो विड्थ है यहाँ हमने ली है 11 इंच, क्योंकि ये हमारा 36 इंच का साइज़ है तो उसका फोर्थ पार्ट प्लस 2 इंच लिया है। 36 का फोर्थ पार्ट होता है 9 इंच, हमने यहाँ पर 2 इंच बढ़ा के 11 इंच लिया है। और ब्लाउज़ की जो लेंथ है वो हमने ली है 15.5 इंच, जो कि सिल्क के 14.5 इंच आएगी। दोनों पार्ट्स की बराबर ही ली है हमने। शोल्डर लिए हैं यहाँ पर 7.5 इंच और आर्म होल लिए 6 इंच, जो कि शोल्डर से 1 इंच तिरछे में लिए है। सामने वाले आर्म होल की गोलाई है 1 इंच और पीछे वाले आर्म होल की गोलाई है 1.5 इंच। पीछे हमने जो टक्स दिया है वो है 4.5 इंच का और सामने वाला टक्स है 5.5 इंच का। इसमें आगे और पीछे दो दो टक्स देना है हमें। अब इसकी कटिंग कर लेना है। यहाँ ये दोनों पार्ट्स को मेन फैब्रिक पे भी कट कर लेना है। यहाँ हमने आगे और पीछे वाले पार्ट की कटिंग कर ली है मेन फैब्रिक पे भी, और अब हम इस पर नेक की मार्किंग करेंगे। तो नेक की विड्थ हमें यहाँ पर लेना है 2.5 इंच और लेंथ लेना है 7 इंच। इस तरह से वी शेप देना है इसमें, और पीछे वाले नेक की विड्थ भी 2.5 इंच लेना है और लेंथ इसकी 1 इंच लेना है। इस तरह से यहाँ पर गोलाई दे देंगे। अब इनकी कटिंग करना है। और आगे वाले पार्ट को यहाँ सेंटर से भी कट कर लेना है। अब यहाँ पर मेन फैब्रिक को सीधा और उसके ऊपर लाइनिंग रखना है और यहाँ कमर से स्टिचिंग कर देना है। पीछे वाले पार्ट को भी इसी तरह से रख के यहाँ कमर से स्टिचिंग कर देना है और इसको पलटाकर प्रेस स्टिचिंग भी कर लेंगे। इस तरह से हमने आगे और पीछे वाले पार्ट को तैयार कर लिया है और हमने इसमें टक्स भी दे दिए हैं। साथ ही हमने यहाँ सेंटर में हुक की पट्टी भी लगा ली है। एक हुक की पट्टी हमने अंदर से लगाकर ऊपर स्टिचिंग के ऊपर फोल्ड की है और एक पट्टी को ऊपर से लगाकर पूरा अंदर की तरफ फोल्ड कर दिया है। अब इसको हमें शोल्डर से अटैच कर लेना है। तो यहाँ दोनों पार्ट्स को शोल्डर से अटैच कर लेंगे। यहाँ दोनों पार्ट्स को शोल्डर से अटैच करने के बाद हमें यहाँ से इसकी नेक की लेंथ को मेज़र कर लेना है। ये आ रही है हमारी 22 इंच, तो हम 1 इंच बढ़ा लेंगे, 23 इंच की कॉलर कट करेंगे। यहाँ पर हमने ये पेस्टिंग पेपर लिया है, इसकी चौड़ाई हमने ली है 6 इंच और यहाँ पर इसको इस तरह से डबल में रखते हुए इसमें हम 11.1 इंच का मार्क करेंगे। इसके बाद यहाँ से हमें 4.5 इंच का मार्क करना है और इस तरह से गोलाई देते हुए ये वाले मार्क से मिला लेंगे और यहाँ से 1/2 इंच मार्क करके गोलाई देना है हल्की सी। अब इसको कट कर लेना है। इस तरह से कॉलर की कटिंग करने के बाद ये पेस्टिंग पेपर को हमारे मेन फैब्रिक के ऊपर आयरन करके चिपका लेना है। तो यहाँ पर इस तरह से हमने पेस्टिंग पेपर को फैब्रिक पर चिपका लिया है। अब ये जो नीचे वाला भाग है, गोलाई वाला भाग नहीं, यहाँ नीचे वाले भाग पे हमें फोल्ड करके इस तरह से स्टिचिंग करना है पूरे पे। और साथ ही यहाँ पर हमें सेम साइज़ का एक और कपड़ा लेना है और इसको इसके ऊपर रख के यहाँ ऊपर से भी स्टिचिंग कर देना है। यहाँ पर हमने इस तरह से कॉलर को जॉइंट करके और पलटाकर प्रेस सिलाई करके साथ ही यहाँ पर लेस भी लगा ली है। अब इसको हम फोल्ड करके इसकी सेंटर मार्किंग कर लेंगे और साथ ही यहाँ नेक पे भी हमें सेंटर मार्किंग करना है। अब यहाँ कॉलर के नीचे वाले फैब्रिक को यहाँ सेंटर मार्किंग से मिलाते हुए दोनों साइड अटैच कर देना है कॉलर।
यहाँ पर हमने कॉलर को अटैच कर लिया है। अब ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है जिस पे हमने स्टिचिंग की है उसको अंदर दबाते हुए इस तरह से ऊपर वाले फैब्रिक को रख के यहाँ से स्टिचिंग कर देना है। इस तरह से हमने कॉलर तैयार कर लिए, साथ ही इसमें हमें साइड में स्लीव्स लगाना है और फिटिंग देकर ये डिज़ाइन कंप्लीट हो जाएगी। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।